गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का एप्लीकेशंस ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल वितरण नियम की क्या उपयोग है? मैक्सवेल ने जो नियम दिया था, चाल के वितरण नियम, जिसको हम वेग का वितरण नियम भी कहते हैं, उसका हम क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं औसत चाल से, एवरेज स्पीड। व्हाट मीन्स ऑफ द एवरेज स्पीड्स? कि जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है जीरो टू इन्फिनिटी, उनका औसत चाल कितना होता है, एवरेज स्पीड कितनी होती है। तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका कि सी बार इक्वल टू 1/n जीरो टू इन्फिनिटी सी डी एन सी। डी एन सी क्या है? सी व सी प्लस डी सी के मध्य जो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणु है उनकी संख्या है, और हमने कैलकुलेट किया है ये मैक्सवेल से। डी एन सी इक्वल टू 4πn ए क्यूब ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी, और हमने ए को लिखा था रूट ऑफ बी बाई पाई। सो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया हम इसमें, तो मिलता है हमें 4π जीरो टू इन्फिनिटी बी बाई पाई 3/2 ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर सी क्यूब डी सी। अब जो इंटीग्रेशंस है हमारा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर सी क्यूब डी सी, वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसका जो सॉल्यूशंस है हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2b². सो वी हैव टू राइट हियर, सो द रिजल्ट इज 4π b 3/2 / 2π 3/2b². सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? दैट इज 2√π b, और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है m/2kT। सो दिस गिव्स c औसत जो आता है वो 4π b का पावर हाफ, और द 4 × 2 kT / πm, सो दिस इज 8 kT / πm पावर हाफ। सो ये औसत चाल है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करती है, बाकी kn π 8 आर द कॉन्स्टेंट्स। दूसरा एप्लीकेशंस RMS वेलोसिटी या RMS स्पीड, वर्ग माध्यमूल वेग। किसी निकाय के अणुओं के चालों की वर्ग माध्य का मूल, वर्गमूल जो होता है, तो उसको हम RMS स्पीड कहते हैं। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, देन रूट लेंगे। सो CRMS स्क्वायर हो जाएगा 1/n जीरो टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी। हमने सी का स्क्वायर किया, सी स्क्वायर हुआ, औसत लिया 1/n जीरो टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी, और फिर इसका रूट कर लेंगे तो CRMS आ जाएगा। सो दिस गिव्स द CRMS। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ द डी एन सी अगेन 4πn b/π 3/2 सी स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। सो दिस गिव्स CRMS स्क्वायर इक्वल टू 4π b/π 3/2 जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी फोर डी सी। उसमें आया था हमारे पास में सी क्यूब आया था, जब औसत निकल रहे थे यहाँ सी फोर हो गया। सो सी फोर का जो इंटीग्रेशन आता है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी फोर डी सी, दैट इज इक्वल टू 3/8π b/π पावर हाफ। दिस गिव्स 4π b/π 3/2, एंड फाइनली इट विल गिव्स 3/8π b/π/8 टू। सब्स्टिट्यूट कर दें b की वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट्स। सो फाइनली जो आता 3/2b या CRMS आता हमारा 3/2b का पावर हाफ। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए m/2kT, सो दिस गिव्स CRMS इक्वल टू 3kT / m पावर हाफ। लास्ट एप्लीकेशंस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। क्या होती है ये परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अणु जिस चाल को अडॉप्ट करते हैं उसको अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली देखें सी इक्वल टू द सी एम इक्वल टू वी कैन राइट डिफरेंशियल ऑफ द एफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द सी इक्वल टू जीरो। सो एफ सी हियर द डी एन सी बाई द एन डी सी, ये प्रोबेबिलिटी है सी और सी प्लस डी सी के मध्य होने की। सो दिस इज गिव्स 4π b/π 3/2 ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिफरेंशियल कीजिए डी बाई डी सी 4π b 3/2 ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी सब कॉन्स्टेंट है, दो ही है जिस पे सी डिपेंडेंस है, ई रेस्ट पर माइनस बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमने ए डॉट बी की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। सो दिस गिव्स सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2bc ई रेस्ट पर माइनस bc² + ई रेस्ट पर माइनस bc² * 2c। सोल्व करते हैं तो
मिलता हमें 1 - bc² = 0, बाकी तो जो ब्रैकेट के बाहर हो वो नॉन जीरो होता है। सो दिस गिव c इक्वल टू रूट ऑफ 1 by b, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, b होता है m/2 kt, सो दिस गिव्स c मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू 2 kt/m^2। सो व्हाट इज द रेशो ऑफ दिस थ्री, cm c bar crms, cm आता है 2 kt/m^2, c बार हमने निकाला औसत 8 pi kt/m^2, और crms आया था 3 kt/m^2, सो रूट टू अनुपात √8/√3, सो दिस इज गिव्स 1:1.128:1.222। सो यदि हम DNC और DC के मध्य क्रम और C के मध्य कर्व प्लॉट करते हैं तो 3 लाइंस मिल जाती है, मैक्सिमम होता है वो सी एम आर आता है, फिर बीच उसके बाद में सी बार आता है, फिर सी आर एम एस आता है। इसका एक एप्लीकेशंस और है, इसको हम देखें कि इस कर्व के नीचे DNC DC और C एक्सिस के मध्य जो कर्व आता है उस कर्व का क्षेत्रफल जो आता है वो रिप्रेजेंट करता है उन अणुओं की संख्या प्रति एकक आयतन जो उस परास में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट काम में लेते हैं वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ऊर्जा बंटन फलन, किसी चाल से गति में द्रव्यमान m की एक अणु की स्थानांतरित गति ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है E = mc², हमने v की जगह c काम में ले रहे हैं, v यूज ओनली फॉर 1 एक्सिस, c फॉर द ऑल 3 एक्सिस। सो जब मैक्सवेल बंटन फलन से संबंधित ऊर्जा E = 1/2 mc² से संबंधित ऊर्जा फलन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फलन कहलाता है, वे अणु जिनकी स्थानांतर गति ऊर्जा की परास ई व ई प्लस डी ई के मध्य है उनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या काम लेते हैं, डी ई इक्वल टू पहले डिफ्रेंशिएट कर दें इसको 2 mc dc/2, सो दिस गिव्स c = 2e/m^2, dc = de/mc, सो e = mc² सब्सटीट्यूट कर दें सी का जगह 2√2e/m, सो dc = e की टर्म्स आएगी de/√2me। तो नाउ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था मैक्सवेल वाला उसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिखें कि e v d e e v e + d e के मध्य जो प्रति एकांक अणुओं की संख्या है वो डी एन ई लिखा जाएगा 4 πn b/π 3/2e^2 mc² c² dc, और हम b की जगह m/2 kt लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला बनता है वो 4 πn m/2 πkt 3/2 2e^m e^-e/kt de/√2me रीअरेंज कर दिया जाए इसको तो मिलता है 4 ne kt 1/2 × 1 πkte^2 e/ke t d e, सो दिस गिव्स डी एन सी की जगह डी एन ई देता है 2 n/π 1/2 1 πkt^2 e^2 e^-e/kt d e। इन ऊर्जाओं का वितरण फलन कहलाता है, ग्राफ ऐसा गया था DNE/E और E/kT के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं सीधा वैसे आता है, पहले बढ़ता ही पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑप्टिमम वैल्यू अटेन करता है उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो ऊर्जा परास E/E+ के मध्य अणुओं की ऊर्जा की प्रकता PE जिसको हमने पहले लिखा था DNE/2 πh/1 kt^2 e^-e/kt d e, सो ये इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।